hello children's how are you i hope all of you are fine at your home today we are going to learn a possessive nouns which is given on your page number 22 here some of the examples are there the beak of the hornbill is a massive

द बेकरी बिलोंग्स टू नथुस ग्रांड मदर सो नाउ यू सी दर्ड इन कलर आर पोसेसिव नाउन्स पोसेसिव नाउंस सो दैट समथिंग बिलोंग्स टू और इज रिलेटेड टू समन पोसेसिव नाउन का मतलब होता है या तो वो उसकी मालिकी का है या उससे वो बिलोंग करता है जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है द हॉर्न बिल्स बिक इज मैसि यानी कि हॉर्न बिल्क की बिक नथुस ग्रांड मदर नथु के ग्रांड मदर सो दिज आर द कॉल पॉसिसिव नाउन्स पॉसिस नाउंस में क्या होता है हाउ कैन वी से द पॉसिसिव नाउंस तो फर्स्ट उसके रूल है एड एपोस्ट्रॉपी एस टू सिंगुलर नाउंस जैसे सिंगुलर नाउंस होते हैं उनके पीछे एपोस्ट्रॉपी कैसे लगता है जस्ट लाइक बॉय शूज हियर बॉय इज़ अ सिंगुलर नाउन अनदर वन इज़ रविस पेंसिल्स यहाँ रवि जो है वो सिंगुलर नाउन है रवि की पेंसिल्स पेंसिल्स भले ही प्लूरल है बट रवि जो है वो सिंगुलर है हमने अपोस्ट्रॉपी जो है वो रवि के पीछे लगाया है आंट्स हाउस आंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी सिंगुलर नाउन हॉर्सिसग्स यहाँ हॉर्स जो है वो एक सिंगुलर है मान लो यही चीज़ हम प्लूरल में डालें तो ऐड एपोस्ट्रोपी टू प्लूरल डाउंस एंडिंग इन एस एस के बाद हमें एपोस्ट्रॉपी करना है हम पहले सिंगुलर में एस के पहले कर रहे थे अब हमें एस के बाद प्लूरल रखना है जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो आपको रेड में दिए गए आपकी बुक में आप देखोगे तो बॉयस शूज बॉयज़ यानी कि बहुत सारे बॉयज एक बॉय नहीं बट इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉय सो बॉयज शूज प्लेयर्स चर्सिस आंस हाउसिस हॉर्सिसक्स हियर यू सी दैट सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल नाउम्स नाउ थर्ड एग्जाम्पल सॉरी थर्ड रूल इज दैर एड एपोस्ट्रॉपी एस ऑफ प्लूरल नाउम्स नॉट एंडिंग इन एस ऊपर के आप में सब ने देखा होगा तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म के लिए हमें एस एड करना पड़ता है तो हम एस के पीछे लगा रहे थे एपोस्ट्रॉपी अब जहाँ पर एस नहीं है जैसे कि वुमेन वुमन का प्लूरल जो होगा डब्ल्यू ओ एम ई एन तो हमें एपोस्ट्रॉपी रखना पड़ेगा आगे वोमन्स क्लॉथिंग चिल्ड्रंस मूवीज यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल सो यू शुड बी पुट डाउन हियर एपोस्ट्रॉपी बिफोर द एस दैन आफ्टर मेंस मैगजीन मेंस एम ई एन मैन मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ अ एमी एन मैन सो वी पुट डाउन हीयर एपोस्ट्रॉपी बिफोर एस बी एस से पहले हम एपोस्ट्रॉपी लगाएंगे नाउ रिमेंबर वी डू नॉट नॉर्मली यूज द अपोजिट फॉर्म ऑफ नाउंस दैट नेम थिंग्स फॉर एग्जाम्पल वी सी द लेग ऑफ द चेयर और द कलर ऑफ द बुक रादर देन द चेयर लेग और बुक्स कलर जहाँ पर नाम होते हैं उनके आगे हमें कभी भी, भी एपोस्ट्रॉपी uh, यूज करना नहीं चाहिए जैसे कि चेयर्स लेग और द बॉक्स कलर ऊपर के सब आप एग्जाम्पलों में देखा होगा तो वहां पर मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स है जिसके पीछे एपोस्ट्रॉपी एस सिंगुलर और प्लूरल में लगता है नाउ वी सी द एक्सरसाइज एक्सरसाइजिस फॉर दिस सेम make the following plural to have been done for you first one singer's voice now here you see that singer's voice kyunki singers jo hai plural form mein hai to humne yahan par singles voices kiya hua hai apostrophe humne पीछे लगाया हुआ है Second में babies' blanket, तो यहाँ baby का हो जाएगा babies और एपोस्ट्रॉपी जो है वो पीछे लगा क्योंकि एस है हमने ऊपर के रूल्स में देखा था तो हो जाएगा बेबीज ब्लैंकेट्स बहुत सारे ब्लैंकेट्स कुक्स एप्रॉन यहाँ पर फिर से कुक का कुक्स हो जाएगा सो वी शुड बी पुट डाउन एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस हो जाएगा कुक्स एप्रॉन्स माउसिस टेल यहाँ माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस और एपोस्ट्रॉपी जो है वो आगे हो जाएगा क्योंकि एंडिंग जो है वो एस से नहीं है स्पेलिंग जो है माइस का ई से एंड हो रहा है सो हम पुट, हम रखेंगे एपोस्ट्रोफी एस आगे माइसिस टेल्स फिफ्थ वन डियर्स एंटलर हियर आल्सो डीर जो है डीर दिस रीड डीर डीर्स एंटलर एपोस्ट्रोफी जो है वो पीछे आगे रहेगा एस से आगे रखेंगे हम एंटलर्स का एंटलर का हो जाएगा एंटलर्स सो हियर सिप्स वुल तो यहाँ पर सिप का प्लूरल जो है वो सिप ही रहता है सिप का प्लूरल हमेशा एस एच ई डबल ई पी शिप ही रहेगा सिप्स वुल हो जाएगा वुल का भी प्लूरल जो है वो वुल ही रहेगाप्स ग्लोव यहाँ पर हमें प्लूरल करना है थीव ग्लोव थी उसका स्पेलिंग जो है चेंज हो जाएगा और एस लास्ट में आ रहा है इसीलिए हम एपोस्ट्रॉपी लास्ट में रखेंगे मेन स्कार्फ ऊपर हमने देखा था मैन का एम एन हो जाएगा एपोस्ट्रॉपी आगे आ जाएगा एस के और स्कार्फ हो जाएगा स्कार्फ का वल्स हाउल तो यहाँ हो जाएगा वल्स हाउल्स बिकॉज ऑफ वल्फ इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वुल्फ एंड हाउल्स जो है वो हाउल का प्लूरल फॉर्म है पपीज बाउल यहाँ पर पप्पी का स्पेलिंग जो है हो चेंज होगा बिकॉज ऑफ रिटर्न इन टू द प्लूरल पी यू डबल पी आई ई एस एपोस्ट्रॉपी एस लास्ट में आ रहा है इसलिए पीछे लगेगा एंड बाउल का हो जाएगा बाउल्स सो so ये जो है वो आपकी बुक में आपको करना है